हेलो फ्रेंड्स, सो हेयर वी आर डिस्कसिंग बायोलॉजी पोर्शन ऑफ द ल्यूसेंट जीके। सो इट्स अवर पार्ट 3 ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज एंड दिस इज चैप्टर, दिस इज वीडियो नंबर 10। सो लेट्स बिगिन। दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। सो वैक्यूल तक हमने डिस्कस कर लिया था, नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल सेंट्रली लोकेटेड इज अ मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल। इन प्लांट सेल इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स पेरीफेरी। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले हम जब सोचते हैं देन वी शुड थिंक दैट इट इज अ मेन ऑर्गन, मेन ऑर्गेनली ऑफ द सेल दैट इज स्फेरिकल, जो कि कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फीयर शेप होती है, इसकी राउंड शेप होती है। एंड ये ज्यादातर कहाँ होता है, सेंट्रली लोकेटेड, बीच में प्रेजेंट होता है इन एनिमल सेल्स में। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो थोड़ा सा पेरीफेरी यानी साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब मेन ऑर्गेनली है, सबसे बड़ा है, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गेनली भी है। एंड इट इज बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर से बाउंडेड होता है, हैविंग पोर। पोर इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी जैसे डीएनए हुआ या जो प्रोटीन्स बन रहे हैं अंदर न्यूक्लियस के अंदर, वो सभी कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं बाहर। प्रोटीन तो नहीं बनते, बट हाँ जो भी आरएनए बन रहा है वो सब बाहर कैसे आता है, थ्रू द पोर्स, और न्यूट्रिएंट जो भी आने होते हैं। ठीक है, विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटीरियल इज प्रेजेंट। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हो गया, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक का जो प्लाज्म होता है, मतलब केंद्रक का जो लिक्विड पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, एक न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमेटिन मटीरियल प्रेजेंट होता है। सो आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियस। यू कैन सी फ्रॉम दिस, दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज वेरी बिग स्ट्रक्चर इन द सेल। और यहाँ पर देखिए आप, ये पोर्स हैं, दीज आर द पोर्स। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पर भी देखिए पोर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी आउटर जो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, न्यूक्लियर एनवलप है, उसके ऊपर पोर्स होते हैं एंड क्रोमेटिन होता है एक। ठीक है, क्रोमेटिन आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये कंडेंस स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज क्रोमेटिन। ठीक है, और बीच में यहाँ पर न्यूक्लियोलस है, दैट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, अब क्रोमेटिन ही जब शॉर्टर फॉर्म में सेल डिवीजन के टाइम यही आपका क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में आरएनए एंड प्रोटीन बनता है और होता है ये, इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, और क्रोमेटिन होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो आपका जेनेटिक मटीरियल है वो होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है, इट इज बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग पोर्स। ठीक है, विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ एक्चुअली प्रोटीन एंड आरएनए। क्रोमेटिन मटेरियल इज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग नेटवर्क। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पूरे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस इज मेड अप ऑफ जेनेटिक सब्सटेंसेस डीएनए, जो कि डीएनए की बनी होती है। डीएनए क्या होता है आपका, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन ब्रेक इन टू पीसेज एंड फॉर्म्स द क्रोमोसोम। ये अभी जस्ट बताया मैंने कि जब सेल डिवीजन होता है तो यही क्रोमेटिन जो जेनेटिक मटीरियल जो डीएनए होता है आपका, वही क्या होता है कि ब्रेक्स होकर पीसेज में एक पर्टिकुलर फॉर्म बनाता है, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्र जिसे कहते हैं। फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। जितनी भी सेल की जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म है उसका, ठीक है, उसको सेल सर्वाइवल के लिए जो जो सब्सटेंस चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सभी कैसे कमांड के थ्रू होता है, और दैट कमांड शुड गिवन बाय द न्यूक्लियस, जो कि कौन देता है आपका, न्यूक्लियस देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ये कंट्रोल सेंटर है क्योंकि यहाँ पर आपका जीन भी प्रेजेंट होता है। जीन जो डीएनए है वही आपका आरएनए बनाता है एंड आरएनए के बाद आपके प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर आपकी सेल को सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। ठीक है, नाउ क्रोमेटिन ट्रांसमिट हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका फीचर होता है या फंक्शन होता है, कि जिसमें जो डीएनए होता है आपका हेरिडिटरी मटेरियल है, जो भी आपके लुक्स हैं, आपके फीचर्स हैं, आपकी हाइट है, इन सबसे रिलेटेड कलर है, ठीक है, आपकी जो रेस है आपकी, वो आपके पेरेंट जैसी होती है या आपके ग्रैंड पेरेंट जैसी होती है। तो वो किस लिए होती है, बिकॉज ऑफ द क्रोमेटिन ट्रांसमिट हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो भी आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर है आपकी फैमिली में, वो सभी आपके अंदर आते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज,
ऑब्वियस सी बात है, प्लांट की जो सेल्स होती है वो क्या होती है, लार्जर होती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स. ठीक है, एनिमल सेल्स जो होती है वो थोड़ी स्मॉलर होती है. सेल वॉल प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड काइटिन. प्रीवियसली हमने देखा था कि जो प्लांट सेल होती है उसमें एक फीचर होता है, उसके अंदर एक सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होती, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. और सेल वॉल बेसिकली बनी किसकी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड काइटिन. ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है. प्लास्टिड में आपने देखा था क्रोमोप्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्टिड होते हैं एंड ल्यूकोप्लास्टिड होते हैं. क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या काम करता है, फूड सिंथेसिस का काम करता है. क्लोरोप्लास्टिस यानी फोटोसिंथेसिस का काम करता है. तो फोटोसिंथेसिस जो होता है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. प्लांट सेल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक. वो अपना स्वपोषी बोलते हैं जिसे. ठीक है, अपना भोजन खुद बनाते हैं. एनिमल सेल्स में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, दे आर हेटरोट्रॉफ बेसिकली. और इनके अंदर प्लास्टर्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता. सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट होते हैं. सेंट्रोसोम मैंने आपको बताया था, द टू दे आर सेंट्रोसोम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स. ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं होती उनके ऊपर. और वो क्या काम करते हैं, दे मेक्स द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिविजन. सेल डिविजन जब होता है तो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर द सेल डिविजन. ठीक है, सेल जब डिवाइड होता है तो उस पर चाहिए होते हैं. यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में, बट प्लांट सेल में ये एबसेंट होता है. वैक्यूल्स आर लार्जर, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. वैक्यूल्स जो होती हैं वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती हैं और मोस्टली सिंगल होती हैं इन प्लांट सेल में. बट एनिमल सेल्स में क्या होती हैं, दे आर स्मॉलर, बहुत छोटी होती हैं इन साइज एंड मोर देन वन. ये भी एक फीचर है. यहाँ देखिए, दीज आर द टू, दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस इज द एनिमल सेल. यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है. तो एक फीचर हो गया, यहाँ पर सेल वॉल होती है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती. ठीक है, दूसरा क्या है, आपको दिख रहा होगा जो ये न्यूक्लियस है दैट इज सेंट्रली प्लेस्ड इन एनिमल सेल. यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल में ये थोड़ा साइड में प्रेजेंट होता है. यहाँ पर आप देखिए एक लार्ज वैक्यूल है. यहाँ पर आपको कोई वैक्यूल छोटी मोटी अगर दिख रही होगी कोई तो दिख रही होगी, अदरवाइज देयर इज नो एज सच बिग वैक्यूल. ठीक है, वैक्यूल यहाँ बहुत बड़ी होती है. दूसरा, यहाँ पर आप ये क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है. ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है जो आपको मेनली याद रखने हैं. ये जस्ट बेसिक है. जैसे प्लांट अगर ऑटोट्रॉफ, प्लांट ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे आर नॉट टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट. वो बाहर से नहीं फूड लेते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा जिसे हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं. बट एनिमल सेल्स में दे आर डिपेंडेंट फॉर अदर्स. जो भी खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफ्स. ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है. नाउ मूव ऑन टू द क्रोमोजोम. क्रोमोजोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, अभी मैंने बताया था क्रोमेटीन होता है न्यूक्लियस में बेसिकली. ठीक है, तो जब सेल डिवीजन होता है तो वही क्रोमेटीन जो उलझा हुआ, जो कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए होता है वो आपका, वो क्या होता है, ब्रेक्स हो जाता है. थोड़ा थोड़ा ब्रेक होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस. इट बिकम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम ही बनता है, दैट्स व्हाई यू कैन सी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर आप जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तभी आप देख सकते हैं. ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमेटिड जॉइंट टुगेदर एट ए पॉइंट सेंट्रोमियर. ठीक है, पॉइंट होता है बीच में, उसके बाद टू आर्म्स निकली होती है. ठीक है, उनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स. ठीक है, सो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीन. जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं जीन. जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए विच इज कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जो डीएनए होता है, जो जीन होता है, वही एक पर्टिकुलर आपका करियर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में लाता है, जो किड्स में लाता है. इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटीरियल कॉल्ड रेट्रोवायरस. देखो, सबसे पहले एक बात करते हैं, डीएनए जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द सेल्स में, मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म में डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है. लेकिन वायरस में कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि आरएनए वायरस होते हैं, जिनको आरएनए वायरस या रेट्रोवायरस कहा जाता है. ठीक है, क्यों कहा जाता है, बिकॉज उनका जेनेटिक मटीरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ना कि डीएनए होता है. ठीक है, इन प्रोकैरियोट देयर इज ओनली वन क्रोमोसोम्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस.
अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, ना कि बहुत सारे होते हैं। ये डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। बैक्टीरिया आपका क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक है तो सिंगल सेल सिंगल क्रोमोसोम होगा उसमें, ठीक है। नाउ लेट्स सी द पिक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर देखिए आपको एक सेल दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम जो आपको दिख रहा है इसको एक्सपैंड व्यू में दिखाया है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम की बात हो रही है, यहाँ पर उसे दिखाया गया है, ठीक है। सो इसकी जो आर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है, और यहाँ पर बीच में एक बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है, और यहाँ पर छोटे 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 जीन्स होते हैं, बीड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं जीन्स, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ टेलोमियर, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमेटीन होता है, बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमेटीन इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम में ही बदल जाता है। और ये क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं, इस तरह का दिखता है, जिसमें टू आर्म्स होती है, उनको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, सॉरी इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, और बीच में जो बीड लगी होती है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है बीड्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीन, ठीक है। अब जीन्स मेड अप ऑफ डीएनए, ये भी पता चल गया हमें, आरएनए रेट्रोवायरस हमने समझ लिया है कि रेट्रोवायरस क्या होते हैं, बेसिकली जो आरएनए होता है उनमें डीएनए की जगह आपका आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, तो हम उसको कहते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है। सो ये एक पॉइंट हमें याद रखना है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, ये भी एक बात याद रखनी है। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल पजेस मेनी क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक सेल्स में कितने हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, एज मतलब डिपेंडेंट ऑन देयर स्पीशीज, डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीशीज, जितनी भी स्पीशीज हैं उनमें सभी में क्या होता है, पर्टिकुलर क्रोमोसोम होता है, और उनके नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करी, उनमें मोस्टली क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग होता है ये नंबर, ठीक है। ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीशीज हैव डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सेल। कोई भी स्पीशीज होती है उसमें एक पर्टिकुलर नंबर होता है, विच आर इन पेयर नोन एज डिप्लॉइड, जिसे हम डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, दो के सेट में होता है। द सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। अगर वो सिंगल सेट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड डिप्लॉइड मीन्स डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम या डिप्लॉइड, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं, हाँ एक बात याद रखनी है, गैमिट्स हैव हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पर्म की बात करते हैं जो कि गैमिट्स है, स्पर्म या एग्स की बात करते हैं तो वो क्या हो गया, आपका एक पर्टिकुलर गैमिट है, ठीक है, उसमें क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसमें डिप्लॉइड नहीं होते, लेकिन आपके सोमेटिक सेल्स जो आपके स्किन के सेल है, आपकी पूरी बॉडी के सेल्स हैं, उसमें क्या होता है, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। बट गैमिट्स दैट मीन स्पर्मेटोजोवा एंड एग्स की बात हो रही है, यहाँ पर हैप्लॉइड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। पिजन की बात करेंगे तो 40 पेयर्स होते हैं, डॉग में 39 होते हैं क्रोमोसोम, हॉर्स में 32 होते हैं, चिंपैंजी में 24, ह्यूमन में 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब क्या है, यहाँ पर 23 पेयर्स बोला हुआ है, दैट मीन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 46। टोटल हमारे जो बॉडी में क्रोमोसोम होंगे वो कितने हैं, 46। लेकिन अगर एग्स की बात करूंगी मैं, एग्स या स्पर्मेटोजोवा की, देन देयर इज ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। बट 23 पेयर्स का मतलब है ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर 23 पेयर्स लिखा आता है तो दैट इज करेक्ट, एंड 46 लिखा होता है तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। पेयर्स लिख दिया यहाँ पर, वीट में 21 पेयर्स हो गए, कैट में 19 पेयर्स हो गए, फ्रॉग में 13 पेयर्स हो गए, टोमेटो में 12 पेयर्स हो गए, अनियन में 8 पेयर्स हो गए, एंड पी में 7 पेयर्स हो गए, एस्कैरिस में 1 पेयर। अब ये हमें कुछ एक इसमें से मेन तो ह्यूमन का आता है, ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 पेयर्स या फिर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन एग्स और अगर आपके अगर ऐसे पूछा जाए कि गैमेट्स में कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे 23 ओनली, नॉट पेयर्स, ठीक है, 23 एक गैमेट में, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ में हो गए 23 एंड एग्स में हो गए 23, ठीक है। लेकिन सोमेटिक सेल्स में कितने हो गए, 23 पेयर्स, राइट। So, in our next video, we will start with the nucleic acid. From here, we will start. Thank you very much.